तो यहाँ पे हमारे अंकल अभी गैस में से हवा निकाल रहे हैं, जो भी गैस में फंस चुकी है बाहर नहीं आ रही है। समाज सेवा, हाँ समाज सेवा पूरी है। तो दोस्तों देखिए क्या लाइट, क्या नज़ारा है, ये पूरा देहरादून है सामने। ये देखो ये आ गया अपने घर में एक नया मेहमान, छोटा सा, सबसे छोटा मेहमान है ये। अब इस बार कैंपिंग का सबसे छोटा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हरिका श्रीवास्तव। पनीर रास्ते में हमको निकालने भूल गए रात रात को, जिसमें से थोड़ी स्मेल हो रही है। अब इसको हम गर्म पानी में धो के थोड़ा सा वॉश कर लेते ताकि दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। देखिए हमारे जो बन रहे हैं पनीर के पकौड़े, बस तेल में जा चुके हैं, अब थोड़ी देर में बन के आ जा रहे थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? तो रात को तो हम लोकेशन दिखा नहीं पाए, अब देख दिखाते हैं सुबह की लोकेशन। ये देखो ये वादियाँ, कितनी सुंदर, कितना हसी नज़ारा। ये लोकेशन अपनी देखो, ये कितनी शांति है यहाँ पे। और ये है अपना आदि। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हाँ भाई, रात को नींद कैसी आई? बढ़िया गाइस, मुझे तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आई। मैं तो भी रात एक दो घंटे ही सोया होऊंगा। एक दो घंटे? कितनी झूठ बोल रहा है। अरे यार, आंखें बार बार खुल रही थी और मेरा गाइस हाथ भी अकड़ गया था। हाथ भी अकड़ गया था? मेरे भी पैर अकड़ गए। वैसे तेरे भी पैर अकड़ गए, मेरे तो कुछ नहीं अकड़ा, सब आराम से सोया मैं। मेरे पैर अकड़ गए। ये देखो अपनी गाड़ी लगी है वहाँ पे, ये दो टेंट लगे हुए, और नीर भाई की गाड़ी है, टेंट है, वो मेरी गाड़ी है, उसके पीछे जो दिख रही है, और जो जो दूसरा टेंट है उसमें सोए थे वंश और वंशिका। है, मैंने बोला था मेरे पास सो जा गाड़ी में, तो हवा तो नहीं लगी ना इसमें। कहाँ घूम रही है? यहाँ पे देखने आया, थोड़ा क्यों देखो वहाँ पे थोड़ा घर है, थोड़ा चलेंगे। हाँ वो रोड है, ये वहां से सड़क है, ये वो जा रही है, कितनी खड़ी चढ़ाई है नी। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, दिल्ली में तो इस टाइम गर्मी हो रही होगी बढ़िया। हाँ गाड़ी वहां पे लगाई हुई है नीचे, तो देख हमारे वाला टेंट है ना, हमारे वाला टेंट। दो चम्मच डालियो, ये तो नुकसान नहीं देती, हजम कर देती है शक्कर। पनीर रास्ते में हमको निकालने भूल गए रात रात को, जिसमें से थोड़ी स्मेल हो रही है। अब इसको हम गर्म पानी में धो के थोड़ा सा वॉश कर लेते ताकि दोबारा से रिफ्रेश हो जाए, इतना खराब नहीं हुआ है। और हम पकौड़े किसके बनाएंगे? हम कल बनाने थे पर बनाएंगे आज पनीर के पकौड़े। क्यों नहीं, प्याज के हम बना लेंगे ना, तो बना लो, इसका खराब ना हो जाए। हाँ अरे कल वैसे प्याज के बन जाएंगे ना। आज पनीर के बना लेते हैं, पनीर के बना लेते हैं ना, तो खराब हो जाए कल तक के लिए। अब बच्चों के लिए बन जाएगी मैगी। तो गाइस अभी यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी। वाओ वाओ, और ये पार्टी चल रही है सुबह सुबह तनिष की। है हमें तो यही नहीं, मेरा बैग ही नहीं मिल रहा है ना, हमें कुछ मिल रहा है। हाँ इतनी गाड़ी टेढ़ी हो रखी है कि समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से आधा बार तो गेट का ही आ रहा है ऊपर। वहाँ खड़ी कर लो गाड़ी, वहाँ पे जो नीचे जगह है ना वहाँ पे देख लेंगे, वहाँ पे लग जाएगी। फाइनली हमें गर्मी लग गई है, हमने जैकेट उतार ली है अपनी, काम करते हुए लड़की है यार, नारी शक्ति भाई, नारी शक्ति। डायलॉग देख लो इनके बच्चों के हैं, इतने डायलॉग डायलॉग शक्ति है। मजा आ रहे हैं भाई बर्तन धोने में, बहुत ठंडा। फ्रिज की जरूरत नहीं है ना, बर्तन कम पड़ गए वरना धोने पड़ रहे हैं।
थोड़े ज्यादा होते तो धोने के। हवा चल रही थी, भैया का टेंट टूट गया था, भैया सेट कर रहे दोबारा से। यहाँ पे रस्सी बांधनी पड़ेगी अपने को, हैंगी ना? हाँ रस्सियाँ तो हैं। हाँ तो बांध लो, उड़ेगी वैसे भी चाहिए चाहिए। हाँ भैया मौसम पे तो बांध देते हैं इसको, यहाँ बढ़ेगी इसकी। अच्छा हाँ इसकी लिप्ट। अब इसको अच्छे सेट करेंगे ताकि ये उड़े ना बार बार। नहीं बंद रहेगी, बांध देते हैं। ले आता उसकी रस्सी ले आओ, ले आओ बांध देते हैं। थोड़ा कार हो गया, थोड़ा ही गाड़ी में हथौड़ा भी ले आओ। ये देखो तेज हवा आ गई थी, ये हमें यहाँ पे कील से क्लेम करना पड़ रहा है। ये पूरा टेंट टूट गया था, पहले इसमें रस्सी बंदी नहीं हुई थी, अब बांध के यहाँ पे कील गाड़ रहे हैं। ये देखो चारों तरफ से हमने अब रोक दिया, मुश्किल उड़ेगा ये। लेट रहेगा लेकिन मुड़ेगा नहीं बिल्कुल। हो गया काफी सारा हो गया इसको, अब एक ही रह गया नीर भाई, एक ही गाड़ दो। एक बीच में भी होनी चाहिए वैसे कुछ, बीच के लिए रस्सी ना। इसको हैं? इसको ज़्यादा नहीं करना, फिर झुक जाएगा। और वो देखो वो तीनों बंदर वहां पे मस्ती कर रहे हैं। होगी ना चारों तो छेड़ की पूंछ भाई कर ले, चले इसको। हाँ ले चलो। हाँ मेरा तो मन कर रहा है मैं ले चलूं। मजा आ जाएगा। तू तो डरता है ना कुत्तों से। अब भाई ये इससे गाड़ी तो प्यारा है, अपनी गाड़ी में तो प्यारा सर। ये इनको ठंडे जगह रखना पड़ेगा तुम्हें पूरे दिन। ये देखो ये आ गया अपने घर में एक नया मेहमान, छोटा सा, सबसे छोटा मेहमान है ये। अब इस बार कैंपिंग का सबसे छोटा। इसका नाम क्या है? हरिका श्रीवास्तव, हम शॉर्ट में बोल लेंगे हरिका। ओहो क्या जीभ निकाल रही है, भूख लग रही है बेटा। हैं जहाँ जहाँ खाने की खुशबू आ रही है। इधर ही बैठे बेटा, टेबल पे स्टूल है एक। हां देख स्टूल एक। हेलो हेलो कर दो। हेलो वहां कहां? इसे बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ये देख सकते हैं हमारी जो मैगी एकदम पूरी बन के तैयार हो चुकी है, मम्मी इसको सर्व करेगी सबको। वो तो थक गई बेचारी। अब देखते हैं आज थोड़ी बहुत ठंड है तो मैगी में टाइम लगा है, तो मैगी में हमारा थोड़ा सा पानी भी है, थोड़ी लिक्विड टाइप है और लिक्विड अच्छी भी लगती है। अभी मम्मी तैयारी कर रही है जो पकोड़े हमें कल बनाने थे, तो पनीर का कुछ बेहाल हो रहा है इसलिए आज हम आज बना रहे हैं। तेल वहाँ पे गर्म हो रहा है। हमने देखिए हमारे जो बन रहे हैं पनीर के पकोड़े, बस तेल में जा चुके हैं, अब थोड़ी देर में बन के आ जा रहे थे। चला दिया तो यहाँ पे हमारे अंकल अभी गैस में से हवा निकाल रहे हैं, जो भी गैस में फंस चुकी है बाहर नहीं आ रही है। समाज सेवा, हाँ समाज सेवा पूरी है। हाँ पूरी जरूरी है आजकल समाज सेवा। एक काम करो इसको पड़े रहने दो, आपको एक जुगाड़ देता हूँ। कैसी बनी है? इतना प्रेशर नहीं है। बढ़िया। हाँ भाई हीरो कौन सी क्लास का पार्टी? ये हो गया अपने रात के खाने की तैयारी, प्याज फ्राई हो चुकी है, अपना बन रहा है पुलाव, वो मशरूम कट चुका, आलू टमाटर और कोई क्या डालना है इसमें?
पुलाव बन रहे भाई, पुलाव। आपने दिया उनको सिक्का? मेरे पास सिक्का नहीं है। यहाँ पे बिशन जेल है, ये तो ये मन्नत मांगने वाला कुमार है। इनकी ऐसी आदत पड़ गई बच्चों की, 6:30 बजे इनको भूख लग जाती है। इसमें रेड सॉस होगी, इसमें होगी ग्रीन वाली, ये ग्रीन चिली, ये टोमेटो केचप इसके अंदर है और इसके अंदर है ग्रीन चिली सॉस और ये अपनी पकौड़ी। ग्रीन से ज्यादा चिली तो ये है नहीं, चिली नहीं, वो ये टोमेटो सॉस है, वो वाली नहीं लेके आए हम, ये टोमेटो सॉस है। फिर दोनों चिली चिली हो जाए, तेरे छीट लगी पीछे, सिंपल है, वो घुमा दे भैया। कितनी बढ़िया बन रही, कितने प्यार से बेसन, बड़ा मस्त वो हुआ है, घुल गया अच्छे से। बाबा टेस्ट करके बताओ कैसा है। रुक जाओ अभी बनने दो बेटा, बाद में बनाएंगे, करेंगे। ये सुबह की अपनी चाय, दोनों को चाय, एक चाय दे दी हमने नीर भाई को, पी के बताओ कैसी है, कैसा टेस्ट है। मीठा कम लग रहा है। अरे मीठा डाल ही ना, चीनी डाली नहीं है। मैं कर मीठा कम है इसे। अच्छा बिल्कुल शक्कर डाल ले, हम शक्कर डालते हैं ना, शक्कर इससे ज्यादा देसी खान डाला करो, देसी भी ज्यादा मीठी जाती है। टफ है, रुक जा लगाना पड़ेगा, रुक जा रुक जा रुक जा। देखो गाइस हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, टंकी में से पानी निकालना पड़ रहा है, सबसे बड़ी मेहनत है इसको बाहर निकालना। सही कह रही है, भारी हो जाएगा पानी बनने वाला, बहुत भारी होगा तो। ठंडा यार पानी है तो, बर्फ फ्रिज जैसा यार, अब यही मिलेगा हमें। मैं एक बार बाल्टी में डाल दिए। हाँ हाँ बाल्टी में डाल लो पहले, इसी से भर भर के। मुझे लगता है एक कैन में हो जाएगा काम, है ना? हाँ हो सकता है, बड़ा बर्फ जैसा पानी है, छींटे आ रहे हैं, कैंपिंग के साइड इफेक्ट्स। आधी बोतल और डलेगा। हाँ आधी डलेगी और। तो ये टंकी रखी हुई है मैंने, थोड़ी दूर रख भाई, आधी उधर खड़ो पीछे। इस मुंह धोले बड़ा अच्छा, वो सारे पिंपल गए हैं, सारे पिंपल गए। सुबह सुबह ठंडे पानी से धोना चाहिए ना, है कि खत्म हो गए जी, है बस एक पैन निकाल लूं मैं। अभी ये इतनी ठीक है, हां इतनी ठीक है, ले जानी भी तो है फिर। अरे ले तो गाड़ी, हम पापा ने उधर भी कर दी, पापा ने गाड़ी उठा लेगी तू, और पिछली बार भी तो उठाई थी। चला दी थी पीछे से, भारी है पीछे से, पीछे से शूट करता, पीछे से आना मेरे पीछे।
आपके पीछे से गया। लो भाई पानी ले आया मैं, बहुत ठंडा है, फ्रिज जैसे भी। गाड़ी कहाँ लगाओगे आप अपनी? देखो हमारे दो ट्रैकर आ चुके हैं, तुम जल्दी आ गए, बीच में से आ गए। पहले ही आ गए? नहीं, हमने करीब कैंपिंग ट्रैकिंग पूरी करी है, लेकिन हम भाग भाग के आ गए। भाग भाग के आए हो? वो भी आ गए होंगे अब तो सारे। थक गए क्या? 4 किलोमीटर कर भी आए? पूरी 4 किलोमीटर की थी? हाँ इतनी थी, इतने इतने रास्ते थे, मम्मी सारी वीडियो है। मजा आया ट्रैक कर? क्या दी? एक अंकल तो फिसल गए थे। कैसे गिरे, चोट तो नहीं लगी? नहीं, फिसल गए थे। अच्छा देख मैं, मैंने बर्तन भी धुल दिए, सारे बर्तन धुल चुके हैं अभी। दो ये आ गए, इसका भी नाम तनिष्क है, ये आ रहा था। हाँ भाई बंदर आए मजे? हेलो गाइस, कितने मजे आए? बहुत ज्यादा। कैसा रहा ट्रैक? अच्छा रहा। मैं सोच रहा था तुम बीच में छोड़ के आ जाओगे। बीच में तो छोड़ के आए हैं। बीच में छोड़ के आए हैं, वहाँ रास्ता नहीं था ना आगे। आगे आए क्योंकि रास्ता नहीं था ना, बड़े भी नहीं कर पाते, इतना सा रास्ता था। यानी कि कुल मिला के पूरा तो हो ही गया है ना ट्रैक? बस तो ठीक है, बहुत मजा आया गाइस ट्रैकिंग में तो। चलो नेक्स्ट ट्रिप के लिए फिर रेडी रहोगे? ओके। जो नीरज जी आए हैं उनकी मैडम ने ये सैंडविच बनाया है, कुकिंग की तैयारी। चल कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए क्या लाइट, क्या नजारा है, ये पूरा देहरादून है सामने, और जो हवा है वो पूरी बढ़ चुकी है, पूरी एकदम ठंड हो चुकी है। और नीचे है, नीचे जो खाना कर रहे हैं पापा मम्मी, हमने तो कर लिया था। ये देखिए ऊपर पूरे तारे हैं, आपको दिखने रही होगी, अभी पूरा काला काला दिख रहा है मोबाइल में, पर काला है नहीं। और यहाँ देखिए पूरा देहरादून बहुत अच्छा लग रहा है, ये रहा चांद, वाह एकदम अमेजिंग व्यू है। तो यहाँ देखते सब इकट्ठा हो गया है, और हाँ यहाँ पे ले लिया बॉनफायर के मजे। देखिए पूरे फुल गाने वाने चल रहे हैं, अभी नाचे के भी सब, फुल मजा आने वाला है। और इतनी ठंड भी नहीं हो रही है, कल से कम ही ठंड है आज। तो गाइस अपना डिनर विनर हो चुका है, क्यों भैया दी है? अब रात के बज चुके हैं 9:30 है, अब सोया जाए। हाँ। तो अपनी YouTube फैमिली को क्या कहेंगे? गुड नाइट। गुड नाइट, मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। बाय बाय।